तो आज अपने बात करेंगे तुला लगन में राहु का फल। राहु का फल सभी 12 भाव में तुला लगन में कैसा आपको देगा। धन भाव में है तो राहु आपको कैसा फल देगा, तीसरे घर में राहु तो आपको कैसा फल देगा, चौथे घर में राहु तो कैसा फल देगा। तुला लगन मतलब 7 नंबर यहाँ लिखा होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के कर्म आपके लिखे होंगे। मैं आपको लिख कर बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी आपको समझने में। तुला लगन में राहु का फल, तुला लगन में अगर लगन में है राहु तो कैसा फल देगा, धनभाव वृश्चिक राशि में है तो कैसा फल देगा, यहाँ पर धनु राशि में तो कैसा फल देगा, मकर राशि में, कुंभ राशि, ये आपकी होगी मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, दशम भाव कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। तुला लगन में राहु सभी 12 भाव में आपको कैसा फल देगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से जानकारी मिले। देखिए तुला लगन में अगर राहु आपका लगन में है तो आप ध्यान रखना, प्रथम केंद्र देख स्थान में मित्र शुक्र की राशि में बैठा है तो देह में कुछ परेशानी का कारण थोड़ा बहुत बना सकता है, क्योंकि लगन में राहु होने से अप एंड डाउन स्टेबली अनस्टेबिलिटी जरूर देता है। अपने व्यक्तित्व की उन्नति के लिए महान गुप्त युक्तियों का एवं चतुराइयों का प्रयोग करेगा। राहु आपको पता है बहुत ही शातिर खिलाड़ी ग्रह है, खिलाड़ी ग्रह बोला जाता है राहु को। लगन में होने के कारण, तुला राशि में होने के कारण, मित्र शुक्र के घर में होने के कारण राहु आपको बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां देगा। आपके अंदर कोई गुप्त ज्ञान होगा, गुप्त कला होगी। अगर मान लो शुक्र आपका लाभ भाव में हो, शुक्र आपका यहाँ पर हो और राहु वहाँ पर हो, तो आपके एक्टिंग लाइनिंग में जाने के भी योग बनते हैं। अब देखिए तुला लगन में राहु का जो दृष्टि संबंध रहेगा वो पहली दृष्टि आपकी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5 आपकी कुंभ राशि पंचम भाव पर, तो पेट से दिक्कत समस्या दे सकता है, पेट संबंधी दिक्कतें आपको हो सकती है। लेकिन संतान पुत्र संतान की प्राप्ति राहु की महादशा अंतर्दशा में जरूर करवाता है। राहु सप्तम भाव पर आपकी दृष्टि देगा तो आप मेष राशि में दृष्टि देगा, यहाँ पर मेष राशि राहु की शत्रु राशि है तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा कष्ट अनुभव करा सकता है, डेली रूटीन लाइफ में अनस्टेबिलिटी रहेगी, अप एंड डाउन आपकी लाइफ में होते रहे। राहु की आपकी नवी दृष्टि मिथुन राशि पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो धार्मिक कार्य करने से राहु आपको खूब लाभ देगा, गंगा स्नान करने से राहु आपको खूब स्नान देगा, तरह तरह के फायदे आपको करवाएगा। अब बात करते हैं तुला लगन में वृश्चिक राशि धन भाव के अंदर राहु तो आपको कैसा फल देगा। देखिए दोस्तों अगर वृश्चिक राशि दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा तो धन का संग्रह शक्ति का अभाव पाने के कारण कष्ट अनुभव करेगा। लेकिन दूसरे घर में धन भाव में राहु नीच का भी है, वृश्चिक राशि नीच की राशि है, इसलिए यहाँ पर धन से कारण कष्ट पाएगा। जातक का कुटुंब का साथ कम मिलेगा, कुटुंब के साथ परिवार के साथ कलह कलेश बनी रहेगी। मंगल की राशि पर होने से धन वृद्धि के लिए कठिन प्रयत्न भी करेगा, अगर मेहनत खूब ज़्यादा करेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव भी लाएगा, क्योंकि धन राशि में है राहु तो कहीं ना से कहीं आपको उठा पटक करके धन जरूर देगा। और कभी कभी धन के मार्ग में बहुत ज़्यादा कठिनाई भी आएगी तो कहीं ना कहीं आपको आसानी भी होगी और आसानी से आप धन कमा भी पाओगे। किंतु धन की वृद्धि के लिए कभी कोई मुफ्त की धनु राशि भी प्राप्त होगी और धन की संग्रह के लिए कोई नवीन और गंभीर योजनाओं के द्वारा सफलता मिलेगी। गुप्त योजना बनाकर कार्य करोगे, किसी को ज़्यादा बताना नहीं है, हवा में उड़ना नहीं है, क्योंकि राहु धुआं है, हवा का कारक है, हवा में उड़ने का कारक है, तो आप ज़्यादा उड़ोगे तो वापस नीचे गिर जाओगे, इसलिए आपको अपनी कठिन मेहनत से ही आप धन का संग्रह शक्ति कर पाओगे और राहु आपको तरह तरह के मौके भी देगा। अब बताने जा रहा हूँ राहु आपके थर्ड हाउस में और धनु राशि में हो तो कैसा फल देगा। तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर नीच का होकर बैठा तो भाई बहन के संबंध में परेशानी एवं कष्ट का कारण होगा। लेकिन तीसरा स्थान राहु के लिए काफ़ी अच्छा होता है, पराक्रम ही होता है, सोशल नेटवर्क से, सोशल लोगों से, सामाजिक लोगों से आपको फायदा होगा। गुप्त हिम्मत शक्ति के कार्य पर बल मिलेगा, आपको पराक्रम मिलेगा। राहु के पराक्रम होने के कारण, राहु का पराक्रम ही होने के कारण आपको हर जगह आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब बात करते हैं राहु अगर चौथे भाव में हो, मन के भाव में हो, तो आपको कैसा फल देगा। मकर राशि में राहु हो तो कैसा फल मिलेगा। चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान पर मित्र शनि की राशि पर बैठा तो माता के सुख संबंधों में कमी और कष्ट का कारण प्राप्त करेगा। भूमि मकान आदि की शक्ति की सुख में कमी रहेगी, प्रॉपर्टी लेने में दिक्कत समस्या होगी। कार अगर लेते हो, आप वाहन खरीदते हो, तो वाहन को आप अच्छे से अनुभव करके ही चलाएं, ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि राहु चौथे भाव में मन में आपको गति तेज करने को बोलेगा
और आपका एक्सीडेंट कोई छोटा सा पत्थर से लगकर भी हो सकता है और 100% होगा, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपका शनि भी पीड़ित है तो आपको प्रॉपर्टी लेने में भी दिक्कत समस्या होगी और माँ के साथ भी कम बनेगी और मानसिक परेशानियाँ भी ज़्यादा रहेगी। अगर चंद्र राहु की युति यहाँ पर बनती है तो आपको मानसिक पीड़ा सबसे ज़्यादा रहेगी, राहु और ज़्यादा चंद्रमा को पीड़ित करेगा, मन के कारक को पीड़ित कर रहा है तो और दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव में कुंभ राशि में राहु है तो आपको कैसा फल देगा इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि पाँचवें त्रिकोण विद्या में संतान स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष से कष्ट उत्पन्न करेगा, विद्या के ग्रहण करने में परेशानी का कारण बनेगा और हो सकता है आपकी एक बार पढ़ाई बीच में छूट जाए या आपका पढ़ाई टूट जाए, आपकी पढ़ाई बीच में रह जाए या आप फेल हो जाओ, आपको कोई ना कोई दिक्कत समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। पांचवी दृष्टि से राहु आपके मिथुन राशि को देखेगा तो भाग्य का सहारा भी आपको हर वक्त नहीं मिलेगा, बहुत कठोर परिश्रम करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेगा। लाभ भाव को देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको शेयर मार्केट में लाभ जरूर कराएगा। लगन को देख रहा है तो लगन को बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट पॉजिटिव राहु आपको देगा। मीन राशि में राहु तो कैसा फल देगा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, छठे शत्रु स्थान है, रोग झगड़ों झंझट के स्थान में शत्रु स्थान गुरु की राशि पर बैठा तो शत्रु पक्ष से कुछ झंझट रहेगी, लेकिन छठे स्थान में क्रूर ग्रह पाप ग्रह बलि हो जाता है इसलिए यहाँ पर अच्छा बल दिखाएगा। छठे स्थान पर गुरु ग्रह बलवान रहता है इसलिए आपको अच्छा बल मिलेगा और आप शत्रुओं से जीत पाओगे। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में भी राहु जीत जरूर दिलाता है। शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव कायम रखेगा और बड़ी बड़ी दिक्कत और झंझटों को विजय प्राप्त करेगा। हिम्मत शक्ति के अंदर कुछ कमजोरी भी महसूस करते हुए प्रकट करेगा, लेकिन दिक्कत समस्याओं का सामना आप कर लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। पांचवी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ती है तो नौकरी से संबंधित दिक्कत समस्या आ सकती है, अनस्टेबिलिटी जॉब में रहेगी। सातवीं दृष्टि आपके विदेश भाव को देख लिया तो आपको विदेश जाने के लिए भी योग राहु जरूर बनाएगा। वृश्चिक राशि को देख रहा है नौवीं दृष्टि से आपके धन भाव को तो आप विदेश जाकर धन जरूर कमाओगे, वहाँ पर आप स्टेबल होने के योग बनेंगे आपके। अब बताने जा रहा हूँ राहु अगर सेवंथ हाउस में हो मेष राशि में हो तो कैसा फल मिलेगा आपको। सातवें केंद्र स्त्री और रोजगार के स्थान पर शत्रु मंगल की राशि पर बैठा तो स्त्री पक्ष में कठिन संकट प्राप्त करेगा, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर मंगल आपका पीड़ित है तो आपकी शादी जीवन काफ़ी कष्ट में रहेगी। राहु की पांचवी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी तो शेयर मार्केट में बिजनेस में खूब बढ़ोतरी करेगा, बिजनेस में खूब लाभ करेगा, वृद्धि पाएगा। लॉजिक बता देता हूँ, बिजनेस में तो बढ़ोतरी करेगा लेकिन आप अपने पत्नी या अपने बच्चों को टाइम नहीं दोगे तो आपके शादी जीवन में तनाव पैदा हो जाएगा। सातवीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो आपको कहीं ना कहीं मेंटली जरूर परेशान करेगा। नवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी तो आपको पराक्रमी बनाएगा, व्यवसाय में उन्नति जरूर देगा। आप बताने जा रहा हूँ राहु उचका होकर अष्टम भाव में बैठा तो कैसा फल मिलेगा आपको। आठवें आयु और पुरातत्व स्थान पर मित्र शुक्र की राशि पर बैठा तो जीवन के अंदर आयु स्थान में बड़े बड़े महान संकट प्राप्त करेगा, कभी कभी जीवन समाप्ति का भी योग बन सकता है। लेकिन उच्च का राहु है तो गुप्त धन भी देगा, गुप्त विद्या भी देगा और तरह तरह के लाभ कराएगा, विदेश के भी योग बनाएगा। पांच दृष्टि विदेश पर पड़ी है तो विदेश से लाभ। सातवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है तो धन विदेश से कमाएगा और धन कमाकर अपने देश में आएगा तो उस धन का सदुपयोग करेगा। अब बताने जा रहा हूँ राहु अगर आपके मिथुन राशि में बैठा है तो कैसा फल देगा। नवम त्रिकोण भाग्य स्थान है, धर्म स्थान में उच्च का राहु मित्र बुध की भाग्य की विशेष वृद्धि प्राप्त करेगा, बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा, बड़ी बड़ी लंबी योजनाओं के द्वारा भाग्य की वृद्धि के लिए सदैव महान प्रयत्नशील कार्य करेगा। धर्म के संबंध में बड़ी भारी छानबीन करके किसी काम को खास तरीके से उसको पूरा करेगा, नए नए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। पांचवी दृष्टि लगन पर पड़ रही है तो आपको लाभ दिला भाग्य का सहारा मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। सातवीं दृष्टि पराक्रम पर पड़ रही है तो पराक्रमी बनाएगा, हर तरह से आपको मजबूत बनाएगा। नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, मतलब आपको हर तरह से आपको बेनिफिट करा के आपको आगे बढ़ाएगा, उन्नति के रास्ते खोलेगा, शेयर मार्केट में भी लाभ जरूर करेगा। अब बताने जा रहा हूँ राहु अगर आपके दशम भाव कर्क राशि में हो तो कैसा फल मिलेगा आपको। राहु अगर दशम भाव कर्क राशि में हो, दसवें केंद्र पिता एवं राजस्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा तो पिता के स्थान में सुख की कमी प्राप्त करेगा, कष्ट की कमियां मिलेगी, कुछ परेशानियां होंगी, कभी कभी कारोबार और उन्नति मार्ग में बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा की राशि होने के कारण शत्रु भाव होने के कारण यहां पर मान प्रतिष्ठा व कारोबार के मार्ग में मन नहीं लगेगा,
मन में शांति बनी रहेगी, उन्नति के स्थान पर रुकावट और परेशानियों का भ्रम बना रहेगा, बड़ी बड़ी दिक्कतों और उन्नतियों का सामना करना पड़ेगा, तरह तरह की चुनौतियाँ आपको मिलती रहेगी। अब बताने जा रहा हूँ तुला लगन में अगर राहु आपका सिंह राशि 11वें भाव में बैठा है तो आपको कैसा फल देगा। 11वें लाभ स्थान में परम शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में बड़ी कठिनाइयों का योग प्राप्त करेगा, लेकिन शेयर मार्केट में जरूर लाभ कराएगा। 11वें स्थान पर क्रूर या बलवान हो जाता है, इसलिए दिक्कतों का मार्ग होते हुए भी आमदनी के मार्ग में विशेष शक्ति मिलेगी। तरह अगर आपकी राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो लाभ भाव में बैठा ग्रह लाभ जरूर पहुंचाता है, जिस कार्य में हाथ डालोगे राहु आपको लाभ जरूर देगा। अब बताने जा रहा हूँ कन्या राशि में राहु तो आपका कैसा फल देगा। 12वें खर्च स्थान में हूँ, बाहरी स्थान में परम मित्र बुध की राशि पर बैठा तो खर्चा अधिक करेगा, खर्च के कारण कुछ परेशानियों का योग संचालित करेगा, खर्च काफ़ी ज़्यादा रहेगा, पैसा आएगा पानी की तरह खर्च हो जाएगा। 5वीं दृष्टि आपके मन के ऊपर पड़ेगी तो मन परेशान रहेगा। 6ठी दृष्टि कंपटीशन पर रहेगी तो तरह तरह के झगड़े झंझट कंपटीशन रोग अस्पताल के चक्कर आपके लगते रहेंगे। और यहाँ से बेटा आपकी 9वीं दृष्टि लंबी बीमारी को दिखाता है तो कोई ना कोई लंबी बीमारी आपको लग सकती है, इससे दिक्कत समस्याओं का आपका सामना करना पड़ेगा। इस तरह के राहु आपको तुला लगन में सभी 12 भाव में फल देगा, और तुला लगन में राहु को मजबूत करने के लिए आपको राहु का मंत्र ओम रोम ओम राम राव वे नमः का जाप करना चाहिए, गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। दान आप 7 तरह के अन्न मिलाकर दान कर सकते हो। सूर्य राहु ग्रहण दोष बनाता है, अगर कुंडली में आपका सूर्य राहु की युति कहीं बन रही है तो ग्रहण दोष होगा। चंद्र राहु की युति ग्रहण दोष कहलाती है, मंगल राहु की अंगारक दोष कहलाती है, बुध राहु की जड़त्व दोष कहलाती है, शनि राहु की श्रापित दोष कहलाती है, और शुक्र राहु की युति तो नागमणि राजयोग कहलाता है, गुरु राहु चांडाल दोष कहलाता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी ग्रह का कार्य तत्व को अपना लेता है, उसी की विशेषताओं को अपना लेता है और उसी के तरह कार्य करता है। अगर कोई ग्रह साथ में नहीं बैठा है, राहु जिस राशि में बैठा है तो उसके कारक तत्व को अपना लेता है, उसी के अनुसार आपके जीवन में बदलाव होते रहते हैं। राहु का गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राहु का ट्रांजिट जल्द से जल्द वीडियो बनकर आपके सामने आ जाएगा, जिस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।